सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी कांग्रेस। 15 महीने बनाम 15 साल की बीजेपी सरकार के कार्यकाल की गड़बड़ियां करेगी उजागर। तो बीजेपी ने भी कांग्रेस के प्लान पर कसा तंज, कहा कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं तो जनता के बीच भ्रम फैलाने की कर रही कोशिश। एमपी में उपचुनाव के रण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अभी से ही आमने सामने हैं। उपचुनाव की तारीखों का इंतजार सभी को है, लेकिन तारीखों के ऐलान के पहले ही बीजेपी और कांग्रेस चुनावी समर में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के 15 सालों के कार्यकाल के दौरान हुई गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए 15 दिन में 15 साल की सीरीज जारी कर बीजेपी को बैकफुट पर लाना चाहती है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस तैयारी पर तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं। यही कारण है कि जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये काम कर रही है, लेकिन जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। कांग्रेस का ये दाव साफ तौर पर बता रहा है कि उपचुनाव के रण में बीजेपी संगठन से सीधे कांग्रेस दो हाथ नहीं करना चाहती। यही कारण है कि कांग्रेस सरकार पर निशाना साधकर बीजेपी नेताओं का ध्यान सरकार पर केंद्रित कर उपचुनाव में फायदा लेना चाहती है। ऐसे में देखना ये अहम होगा कि बीजेपी सत्ता और संगठन के सामने कांग्रेस का ये प्लान कितना कारगर साबित होता है और उसका कितना लाभ उपचुनाव में कांग्रेस को होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।